नमस्कार, हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराजगंज नगर पंचायत के प्रधान सहायक ने किया हसनपुरा में जल जमाव का निरीक्षण। हसनपुरा महाराजगंज नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह के निर्देश पर प्रधान सहायक नगर पंचायत महाराजगंज प्रत्युष कुमार गौतम द्वारा गुरुवार को हसनपुरा नगर पंचायत के मुख्य सड़क समेत अन्य जगहों पर हो रहे जल जमाव, नाला जाम की समस्या, पानी की निकासी व कूड़ा कचरा के निस्तारण का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधान सहायक द्वारा हसनपुरा नगर पंचायत के पर्यवेक्षक सह प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी अभय मिश्र, जय प्रमोद कुमार, पैक्स दरोगा सह वार्ड जमदार अंशु कुमार सिंह, पंचायत कार्यपालक सहायक अरंडा अरविंद कुमार यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष शारिक इमाम, मुखिया प्रतिनिधि छोटे इकबाल, मोतीलाल प्रसाद छोटेलाल शाह के साथ हसनपुरा नगर पंचायत के हसनपुरा टैक्सी स्टैंड से लेकर उसरी बाजार तक मुख्य सड़क पर वाटर लैगिंग, नाला जाम, पानी की निकासी, कचरा प्रबंधन आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण अधिकारी ने बताया कि हसनपुरा नगर पंचायत में अभी भी चेयरमैन का चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए नाले का निर्माण अभी संभव नहीं है, परंतु जल जमाव, नाला जाम, पानी की समस्या व कूड़ा कचरा के निस्तारण को ले कर्मियों को निर्देश दिया गया है। शुक्रवार से जल जमाव, नाले की सफाई, पानी की निकासी व कचरा प्रबंधन की दिशा में कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी। बहुत ही जल्द हसनपुरा नगर पंचायत के लोगों को वाटर लैगिंग, नाले की पानी की निकासी समेत अन्य समस्याओं से निजात मिलेगी। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। उनका नाम नगर ये पंचायत सूची में दर्ज किया जा सके। प्रधान सहायक नगर पंचायत महाराजगंज। हसनपुरा नगर पंचायत होने के बावजूद भी आए दिन जल जमाव की समस्या से लोग यहाँ से राहगीर व अन्य ग्रामीण भी त्रस्त व परेशान है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों की राहगीर की समस्या को हमेशा हम लोग तत्पर से कामों को निष्पादन कर रहे हैं। कहाँ से निष्पादन हो रहा है? ना आपके द्वारा कोई सफाई कर्मी आ रहा है और ना ये जल जमाव की समस्या हट रही है, ना नाला बन रहा है, कैसे आप उसको पूरा कर पाएंगे? नाला का जहाँ बनने का सवाल है, अभी यहाँ के लिए कोई ऑन उपलब्ध नहीं है। जो भी सरकार का दिशा निर्देश साफ है कि सब सफाई को कराना है, जल्द की समस्या उत्पन्न ना हो, उसके लिए हम लोग तत्पर बने हुए हैं। हसनपुरा के ग्रामीणों के लिए कब तक ये समस्या बने रहेगी? जब तक यहाँ का चुनाव का गठन नहीं होता है। मैंने अपील किया था कि यहाँ सफाई, अभी नगर पंचायत नया गठन हुआ है और साफ सफाई हो रहा है तो ढंग से नहीं हो पा रहा था। खैर, मैंने कुछ अधिकारी से बात की तो आज एक्शन भी लिया गया। बड़ा बाबू आए हैं वहाँ से, और भी अधिकारी अगर मौजूद हैं, इन लोगों ने कहा है कि आप साफ कराइए। कब तक साफ कराया जा सकता है? कल से हाथ लगेगा। श्योर है आप? हाँ, एकदम। हमने जो सर हमारे बड़ा बाबू महाराज में से आए हुए हैं, वो लोग आदेश किए, उसी आदेश के पालन करके हम लोग कचरा है चाहे नाला कहीं जाम हो गया है साफ सफाई में करा रहे हैं। यहाँ जो श्री बाजार में जो समस्या फंसा हुआ है, सारी बाबू ने बात किए हैं, उसी समस्या के लेकर सब लोग आए हैं इस समस्या को दूर करने के लिए।